वेलकम भाई लोग, कैसे हो? तो गाइस ये मेरे पास है रॉयल इनफील्ड की ऑल न्यू क्लासिक 350 का BS6 मॉडल। इसको हमने कुछ ही टाइम पहले रिव्यू किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें हमें क्या कमियां मिलती हैं और क्या अच्छी बात है। मतलब जैसे कि BS6 क्लासिक है तो इसका प्रोज और कॉन्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट रिव्यू हमने कुछ टाइम पहले किया है, आई बटन में वहां से देखना। गाइस इसको मैंने बहुत चलाया, अगर आपको पता हो तो मेरे पास BS4 भी है। तो BS6 को मैंने बहुत राइड किया, इसको भी राइड किया है। तो अभी तक मुझे इसमें कुछ कॉन्स भी पता लगे, कुछ इसके प्रोज भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोस के बारे में। तो देखो, पहली बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो है इसका टॉर्क। आप गाड़ी को चलाओगे ना, आप गाड़ी को पुल करना चाहोगे, आप फर्स्ट गियर में हो या सेकंड गियर में हो, बहुत अच्छा आपको टॉर्क मिलेगा। टॉर्क इंजन है और स्ट्रोक इसका बहुत ज़्यादा है, तो उसका आपको जो लो एंड टॉर्क है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका RPM काफ़ी कम रहेगा ना, तब भी गाड़ी बहुत अच्छे से पुल होती है, जबकि आपको किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में ऐसा नहीं मिलेगा। सभी जो है 5000 या 6000 RPM के बाद पुल होती है, बट गाइस 2000 या 3000 RPM में इतना अच्छा पुल होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप कहीं अगर घाटी में जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको अच्छा लो एंड टॉर्क चाहिए। अगर आप अच्छा वेट के साथ राइड कर रहे हो, अच्छी वेट के साथ आपको घाटी चढ़नी है, तो वहाँ पे इसका आपको एडवांटेज मिलेगा लो एंड टॉर्क का। टॉर्क अच्छा है, पावर थोड़ी सी कम है, वो तो आप इग्नोर कर सकते हो। सेकंड जो इसका प्रोज है वो है गाइस का लुक्स। लुक्स आप देख सकते हो काफ़ी सही है, बहुत ही अच्छा है, रेट्रो लुक्स की बाइक है। अगर आपको रेट्रो बाइक चाहिए ना, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते, या तो आप जावा खरीदोगे या कि फिर आप ये खरीदोगे। तो जावा तो हर जगह अवेलेबल ही नहीं होती, तो आपके पास ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रॉयल इनफील्ड। उसमें जो क्लासिक 350 है और साथ ही साथ में ये कलर रेड एयरबॉर्न ब्लू, ये देख सकते हो बहुत ही सही है। पूरा लुक्स जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका आप एक एडवांटेज यहाँ पे काउंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका उसको लुक बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया सेकंड प्रोज। थर्ड प्रोज है इसकी हेडलाइट। देखो अभी क्या है, आप देख जाते हो स्पोर्ट्स बाइक में तो आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं, तो वहाँ पे लगता है कि बहुत अच्छी लाइट मिलती है। लेकिन गाइस आपको बताऊँ, इसमें हेलोजन बल्ब वाली लाइट है, बट जो व्यू है, लाइट का थ्रो है बहुत अच्छा। आप कभी इसको रात में चलाना, आपको मालूम चलेगा। खाली रोड रहती है, अगर कहीं से भी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वहाँ पर भाई इसकी लाइट बहुत अच्छी है, लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। हेलोजन बल्ब है भाई, एक हैवी से बल्ब है, तो वो आपको बहुत अच्छी लाइट देती है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं बहुत इधर उधर जब राइड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा इस गाड़ी में, क्लासिक 350 में कभी नहीं लगा कि मुझे एक आफ्टर मार्केट लाइट या फॉग लाइट की लगाने की ज़रूरत है। ऐसा तभी आप कर सकते हो जब कहीं लॉन्ग राइड जा रहे हो आप, है ना, जैसा हिल स्टेशन में जा रहे हो, आपको बहुत फॉग वगैरह, वैसे में आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो दूसरी बात हो गई। तो ये है प्रोज, तीन प्रोज अभी आपको मालूम चल गया। अभी बात करते हैं कॉन्स के बारे में, क्या क्या इसमें अभी कमियाँ हैं जो कि मेरे राइड में अभी तक मुझे फील हुई। पहली जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे गाइस बोलूँगा वो है इसकी सीट्स। सीट्स ऐसी हैं गाइस की सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। BS4 की तो कंफर्टेबल नहीं थी, इसकी भी सेम वैसी ही है। थोड़ी बहुत मैं इंप्रूवमेंट बोल सकता हूँ कि थोड़ी बहुत अभी जैसे गाड़ी न्यू है, बाइक न्यू है, तो कुशंस थोड़े से मुझे सॉफ्ट लग रहे हैं, बट फिर भी भाई जो सीट है वाली सीट, मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप 30-40 किलोमीटर चलाते हो तो आपको दिक्कत होगी। 30-40 किलोमीटर आप कंटिन्यू चलाओ, उसके बाद आपको लगेगा भाई कि सीट अच्छी नहीं है। पिलियन सीट की बात करूँ तो पिलियन सीट तो और अनकंफर्टेबल है। पिलियन सीट कैसा है कि 10-20 किलोमीटर बैठने के बाद ही मालूम चलता है भाई कि मुझे उतार दो इस गाड़ी से। ऐसी है सीट, अगर आप कहीं लॉन्ग राइड का प्लान करते हो ना, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दूर जाना है तो आप इसको इग्नोर करो, गाड़ी ले लो, यही ले सकते हो आप, बट सीट में आप मॉडिफिकेशन कर लो तो आप आराम से इजिली क्रूज कर पाओगे, हाईवे में कहीं दूर जा पाओगे। पहला डिसएडवांटेज मुझे यही लगा कि सीट जो है और इम्प्रूव हो सकती थी, कुछ तो ऐसा करना था जिससे कि सीट जो है और अच्छी हो जाए। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इसका वेट, 192 kg का वेट है। वेट का मैं ऐसा बोलूँगा कि सभी को दिक्कत नहीं करता है, बट किसी किसी को दिक्कत करता है। तो ये जो डिसएडवांटेज है वेट वाला, वो सबके लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको एक हल्की गाड़ी चाहिए, बट यार उनको रेट्रो लुक्स चाहिए तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता ना, क्योंकि भाई रेट्रो अगर चाहिए तो वेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मेटेलिक होती है, मेटल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वेट भी ज़्यादा होगा। 192 kg का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप नॉर्मल इसी सेगमेंट की, इसी प्राइस पॉइंट की गाड़ी खरीदते हो तो वो 140 या 150 या मैक्स टू मैक्स 160 kg तक जाती हैं। तो यहाँ पे वेट भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि अगर हैवी लग रही है, ये इनके लिए है या लड़कों के लिए नहीं है, तो ये सब बकवास चीज़ें हैं। हाँ, वेट भी इसका आप डिसएडवांटेज के तौर पे देख सकते हो। थर्ड इसमें जो कमी है वो है इसका वाइब्रेशन। देखो अभी इसमें FI सिस्टम मिलता है, BS6 भी है, उसके बाद भी आपको वाइब्रेशन फील होगा। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई ये BS6 हो गई तो वाइब्रेशन कम हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ऐसा भी नहीं कम हो गया कि आपको लगने लगे कि भाई अभी बहुत स्मूथ हो गई है। तो हाँ भाई,
वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन में मैं इसलिए डिसएडवांटेज बता रहा हूँ कि इसी सेगमेंट में अगर आप जावा की तरफ जाते हो उसमें वाइब्रेशंस कम है, और अभी तो होंडा की हाईनेस भी आ गई है तो वो होंडा का इंजन है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी वाइब्रेशन इसके कम। जैसे आप 60 या 70 से ऊपर जाते हो, 70 की स्पीड से ऊपर जाते हो, इनफैक्ट आप 60 से ऊपर भी जाते हो तब भी आपको इस हैंडल बार में वाइब्रेशन फील होंगे, इसके फुटपैक्स में वाइब्रेशन फील। तो हाँ भाई, वाइब्रेशन भी इसका एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है वो है इसका रिफाइनमेंट। अभी भी गाड़ी BS6 हुई है, FI सिस्टम ऐड हुआ है, थोड़ा सा तो रिफाइंड हुआ है नो डाउट BS4 के कंपैरिजन में, बट अभी भी मुझे थोड़ा सा लैग फील हुआ। जैसे कि मैंने इसको चलाया तो गियर अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं कि भाई थोड़े से हार्ड हैं और अच्छे हो सकते थे, और जो क्लच है ना वो लाइट, मतलब वो काफ़ी हार्ड है यार। क्लच का जो लीवर है वो थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं दूर जा रहे हो ना, कंटिन्यू आपको क्लच दबाना होगा तो वहाँ पे आपके हाथों में दिक्कत हो सकती है, आपकी फिंगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि थोड़े से ये हार्ड है, ये मुझे लगता है थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है फीचर्स। देखो 2 लाख की ये गाड़ी है, अभी आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हो कि रॉयल इनफील्ड फीचर्स के लिए नहीं है, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, बट गाइज अभी 2020 चल रहा है, 2021 आने वाला है, इस टाइम पे यार फीचर्स की भी डिमांड होती है। नो डाउट गाड़ी आपको रेट्रो चाहिए, बट रेट्रो के साथ कुछ फीचर्स दिया जा सकता है। सेम यहीं पे आप जावा को देखो ना, जावा रेट्रो बाइक है, फीचर्स अच्छे हैं, लिक्विड कूलिंग है, पावर वगैरह भी अच्छी है, ठीक। लेकिन यहीं पे अपने रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें देखो कुछ ऐसे, जैसे देखो फ्यूल मीटर भी नहीं है, फ्यूल भी आपको नहीं मालूम चलता कितना है, हालांकि लो फ्यूल वार्निंग तो है, बट हाँ एक्चुअल फ्यूल मीटर नहीं है, पूरा एनालॉग में है, आरपीएम मीटर भी नहीं मिलता, मतलब जो फीचर्स हमें चाहिए, मतलब नेसेसरी होते हैं आज के टाइम के लिए, वो नहीं है इसमें। और ऐसा नहीं है रॉयल इनफील्ड इस पर काम नहीं कर रहा, रॉयल इनफील्ड इसमें बिल्कुल काम कर रहा है, मीटियोर में आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जो 2021 वाला क्लासिक 350 का मॉडल होगा उसमें कुछ फीचर्स हमें कन्वीनियंट वाले मिलेंगे, क्या पता उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाए जो कि अभी आपको मीटियोर में देखने को मिलता है। तो हाँ अभी कहीं ना कहीं फीचर्स भी इसके लिए एक एडवांटेज है कि आपको फीचर्स नहीं मिलते, चाहे आप बेसिक फीचर्स की बात करो चाहे एडवांस फीचर्स की बात करो। नेसेसरी फीचर जैसे कि सेफ्टी के लिए ABS ये सब तो मिलता है, पहले मैंने वाइब्रेशन को डिसएडवांटेज में बताया था, तो आप में से बहुत सारे भाई लोग बोलने वाले हो कि क्लासिक वाइब्रेशन के लिए ही जानी जाती है। गाइज ऐसा नहीं है, बुलेट के लिए, बुलेट को हम थंब के लिए खरीदते हैं, जो एग्जॉस्ट का साउंड आता है ना थंब, उसके लिए हम खरीदते हैं, तो वही सेम थंब आपको मेटियोर में मिलता है, बट मेटियोर में वाइब्रेशन नहीं होता, तो आप ज़्यादा रॉ फील करते हो, ज़्यादा आपको एक अच्छा फील होता है कि भाई वाइब्रेशन लेस, वाइब्रेशन फ्री आपको थंब मिलता है रॉयल इनफील्ड वाला, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा या कि फिर थंब विथ वाइब्रेशन आपको अच्छा होगा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाँ किसी किसी को क्या पता वाइब्रेशन अच्छा लगता हो, बट एज ए राइडर मेरे पास क्लासिक है, मेरे पास सभी गाड़ियों को, मैंने सभी बाइक्स को राइड किया है, एक्चुअल में वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता अगर आप लॉन्ग टर्म में राइड करते हो तो। नो डाउट रॉयल फील्ड का जो थंब है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा फील कराता है आपको, एक रॉयल फील कराता है, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा साइलेंसर लगवाते तब तो और अच्छी बात हो जाती है, बट यार वाइब्रेशन कहाँ से अच्छा हो गया बताओ कमेंट बॉक्स में। तो गाइज ये है इसके प्रोज एंड कॉन्स। गाइज ऐसा नहीं है कि गाड़ी बेकार है, बाइक बेकार है, बाइक बहुत अच्छी है, बट सभी बाइक्स में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो कि मैंने क्लासिक 350 के लिए इस वीडियो में बताए, ऐसे ही सभी बाइक्स के प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो आती रहती है। वीडियो को लाइक करो और पर्सनली मत लेना कि आपकी बाइक की बुराई हो रही है, ये एक जेन्युइन जो मेरा फीडबैक है, जो कि मुझे लगता है कि खरीदने से पहले आपको किसी भी बाइक्स के बारे में प्रोज एंड कॉन्स जानना चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।